ये कार्ड सामने से कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और इसके बाद इसके जो बैक पैनल है वो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये मुझे अभी 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 कुछ देर पहले ही कार्ड रिसीव हुआ है ब्लू डार्ट के कोरियर पार्टनर से। और इस कार्ड को मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, इसके साथ साथ इसमें जो लिमिट मुझे मिला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे और कितने दिन टोटल लगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखना। तो चलो मैं फटाफट इस कार्ड को अनबॉक्स कर लेता हूँ और देखते हैं कि मुझे जो कार्ड के अंदर है वो क्या क्या मिला है और लिमिट कितना मिला है। पॉलिथीन से बाहर निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स नजर आएगा, आपको यहाँ से इस रैपर को हटाना होगा। तो अनबॉक्स करने के बाद अंदर से कुछ इस तरीके का पैकेज निकलता है। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जब आपको रिसीव होगा तो उसमें सिंपल सा आपको एक पेपर जैसा मिलेगा, A4 साइज का पेपर, और उसका बैक साइड कुछ ऐसा होगा। और फ्रंट साइड से आप जैसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक पेज के अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड और इनका जो भी डिटेल होता है वो सारा डिटेल ये दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने अगर क्रेडिट की बात कर लूँ तो मुझे जो क्रेडिट लिमिट मिला है वो 20,000 का क्रेडिट लिमिट मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो 6,000 है। तो मैं 6,000 तक कैश विड्रॉ कर सकता हूँ, और ज्वाइनिंग फी जो है वो मुझे ₹500 लगे हैं, और एनुअल फीस भी यहाँ पे ₹500 लगे हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। और कार्ड एक्टिवेशन कोड जो है वो ये है। तो कार्ड एक्टिवेशन कोड आपको मांगा जाता है जब आप इस कार्ड को ऑनलाइन परचेज के लिए एक्टिवेट करते हो। तो आगे मैं अगर क्रेडिट कार्ड की बात कर लूँ तो क्रेडिट कार्ड कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ये यहाँ से चिपकाया गया होता है ग्लू से। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और हटाने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मैं इसको फिलहाल साइड कर लेता हूँ। आपको कार्ड को यूज कैसे कैसे करना है वो सारा यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ये सारे इसके बेनिफिट्स के बारे में है। ये कार्ड यहाँ पे आपका नाम होता है और ये पूरा कार्ड डिटेल होता है, यानी कि 16 डिजिट लिखा होता है। और पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपका CV भी होता है 3 डिजिट का, तो CV भी आपको कुछ यहाँ से ऐसे दिख जाता है। तो ये था मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग। उम्मीद है कि ये अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया होगा, और आप भी कमेंट करके बताना कि आपका जो क्रेडिट कार्ड मिला था एक्सिस बैंक का, यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, उसमें लिमिट कितना था और कितने दिन आपको समय लग गया क्रेडिट कार्ड मंगवाने में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप उस लिंक से अप्लाई करते हो तो चांसेज आपके एप्लीकेशन के अप्रूव होने के काफी ज्यादा हो जाते हैं।